आशीष कुमार, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आपका आधार कार्ड पहले था और वो हो सकता है चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो या फट गया हो या उसका नंबर आपको याद ना हो, तो आप सिर्फ अपना नाम तो याद होगा ना, तो अपने नाम से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बट यही है कि आपका जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर भी नहीं रजिस्टर्ड है तो उससे आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मैं है तो आप बस नाम डाल के और मोबाइल नंबर डाल के अपना आधार कार्ड नंबर पहले फाइंड करेंगे, मतलब अपना आधार कार्ड नंबर निकालेंगे और उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइंड करके भी दिखाऊंगा कि आधार कार्ड नंबर किससे पता करते हैं और उसके बाद उसे डाउनलोड कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अपना मोबाइल उठाना है और आपको क्या करना है, पहले गूगल में जाना है और गूगल में आपको जाने के बाद आपको लिखना है UIDI, आपको UIDI लिखिएगा, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे UIDI लिखेंगे उसके बाद सर्च करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा। UIDI का PCM वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक लिखेगा, देखिए यहाँ पे चेक आधार स्टेटस के नीचे आपको रहेगा रिसीव लास्ट ऑफ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम मांग रहा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है और यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, ठीक है। मगर ये यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम मांगता है तो अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर अगर में नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड रहता है, ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड रहता है, तो मोबाइल नंबर नहीं होगा सीधे ईमेल आईडी डालिएगा तो मोबाइल नंबर जब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर मैं मोबाइल नंबर उसे रजिस्टर्ड था तो बस यहाँ पे मोबाइल नंबर ही डालिएगा, ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब मैं मोबाइल नंबर डाला हूँ तो ईमेल आईडी वाला काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे बोलेगा कि ईमेल आईडी न डालिए, ठीक है। बस ये बोलना है कि आपको बस अब कैप्चा फिल करना है, तो चलिए मैं अपना कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं नाम मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल कर दिया हूँ और मैं जैसे सेंड OTP पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस मोबाइल पर एक SMS आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंड OTP पर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे रिसीव OTP, बट ये है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि OTP आने में 2 मिनट भी लग जा रहा है, 1 मिनट भी लग जा रहा है और 3 मिनट भी लग जा रहा है, ठीक है। बट मेरा OTP आ गया है 20 सेकंड के अंदर, यहाँ पे OTP देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है। चलिए मेरे को OTP यहाँ पे डालना है तो मैं OTP यहाँ फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे OTP फिल कर दिया हूँ, तो बस आपको क्या करना है, OTP फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आ गया है, आपका भी आ जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। बस अब आपको आधार कार्ड नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे देखिए मेरा आधार कार्ड नंबर ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, जबकि OTP भी मैं आपको बताया था कि लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है, ठीक है, यही ना था 8979, उसमें भी दिखा रहा था, जबकि मैं बैक करके दिखा देता हूँ कि OTP ये वाला था, ठीक है, ये OTP ये मैं डाला था और यहाँ पे 8979, जबकि मेरा आधार कार्ड जनरेट हो गया है उसका नंबर। अब इस नंबर से निकालना है, निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, डाउनलोड ई आधार पर क्लिक करना है। तो हो सकता है कि आपका फेस वाला मांगे, जब भी देखिए यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि आपका फेस दिखा के डाउनलोड हो और कभी कभी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही डाउनलोड हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो चलिए मेरा जो आधार कार्ड नंबर ये आया है मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स देता है, चलिए इस मोबाइल को थोड़ा बाजू कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे चेक बॉक्स का एक टिक देता है, अगर मैं इस पर टिक कर देते हैं तो जो आपका आधार कार्ड डाउनलोड होगा वो XX करके आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बस मैं आपको बता देता हूँ
कि ये कुछ इस तरह का होगा, जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे देखिए एक सेक्स करके आएगा और लास्ट का 4 डिजिट ही दिखाएगा। बट आप लोग अपना एक सेक्स ना है तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा, अगर मैं क्लिक करेंगे तो एक्स 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 बन के आएगा, ठीक है, और लास्ट का 4 डिजिट ही दिखाएगा, तो इस पर क्लिक ना कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा आपको इसमें फिल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारा चीज़ फिल कर दिया हूँ। और फिर से मोबाइल यहाँ पे रखता हूँ ताकि OTP आए और आपको मालूम पड़ सके कि भाई ने सही बताया। चलिए मैं सारा चीज़ फिल करता हूँ, बस मैं सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। जिससे मैं सेंड OTP पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP आएगा तभी ये डाउनलोड भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे OTP आ चुका है, जबकि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे OTP है 6138 79। तो मैं चलिए यहाँ पर डाल देता हूँ, तो OTP मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। चलिए मोबाइल को हटा देता हूँ और बस आपको क्या करना है, यहाँ पे या से या नो जो भी करना होगा कर दीजिएगा, इससे कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब वेरीफाई एंड डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगा, तो पासवर्ड आपको क्या रहेगा, आगे का जो भी नाम रहेगा, ठीक है, तो आगे का 4 डिजिट नाम डालिएगा। उसके बाद जिस सन में आप पैदा हुए होंगे, मतलब 90 या 2002 या 2003, जो भी जिस सन में भी पैदा हुए होंगे वो डालिएगा। जैसे कि अरविंद था तो मैं लिखा, तो मैं लिख देता हूँ ARBI, ओके, और 2000 देखिए मैंने लिखा, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, बट मैं थोड़ा बहुत ब्लर कर दिया हूँ ताकि यहाँ पे पूरा नाम गाँव सारा चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, और आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, बट मैं थोड़ा बहुत ब्लर कर दिया हूँ, ओके। आप देख लिए होंगे कि मैंने किसे डाउनलोड किया हूँ और उसे किसे फाइंड किया हूँ, ठीक है। तो जिसे जिसे मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ वैसे सेम फॉलो कीजिए। मैं 100% वादा करता हूँ कि आपका भी डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है आपके फैमिली वैमिली में होगा या कोई दिक्कत परेशानी में होगा, तो इसे जिसे मैं आपको बताया हूँ सेम ऐसे ही प्रोसेस कीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मन में शंका होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।